हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आपके मन में भी बहुत सारे सब्सिडी से रिलेटेड सवाल है? तो इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे जितने भी आने वाले वीडियोस हैं सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपडेटेड रहे सोलार की फील्ड से या गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है उससे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये जो सब्सिडी की स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये इसका बेनिफिट किसे मिलने वाला है? तो गवर्नमेंट ने क्लियरली मेंशन किया है कि ये जो सब्सिडी है ओनली फॉर रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स, सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल कंज्यूमर के लिए सब्सिडी है जिसका ग्रिड कनेक्टेड या फिर ऑन ग्रिड सोलार सिस्टम है ना। ऑफ ग्रिड वालों को बेनिफिट नहीं मिलने वाला है सब्सिडी का, सिर्फ ऑन ग्रिड वालों को, रेसिडेंशियल कंज्यूमर। और उसके अलावा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ और गवर्नमेंट के क्वार्टर्स को भी सब्सिडी मिलेगी। गवर्नमेंट क्वार्टर वालों के लिए ये है कि इन्हें भी सब्सिडी मिलेगी, लेकिन इनको ये जिस क्वार्टर में रह रहे हैं तो वो रेस्पेक्टिव अथॉरिटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाकर इनको सिस्टम इंस्टॉलेशन की परमिशन मिलेगी और सब्सिडी मिलेगी। भाई, ये सब्सिडी कमर्शियल कंज्यूमर्स के लिए नहीं है और इंस्टीट्यूशंस के लिए भी नहीं है, जैसे स्कूल कॉलेजेस वगैरह इनके लिए नहीं है। हॉस्पिटल्स वालों को भी सब्सिडी नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट ऑफिसेस को भी नहीं मिलेगी, और इसी तरीके से कोई जैसे रिलीजियस प्लेस है उस पर भी अगर बिठाते हैं सोलार तो उसको सब्सिडी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट। अच्छा, तो कई सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि सर मैं हरियाणा से हूँ, मैं पंजाब से हूँ, किसने कहा कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो क्या हमको भी सब्सिडी मिलेगी? तो मैं एक बात यहाँ क्लियर कर देना चाहूँगा, ये सब्सिडी ऑल ओवर इंडिया अप्लीकेबल है, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए तो उस पोर्टल का नाम नेशनल पोर्टल दिया गया है जहाँ पे सब्सिडी के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि सब्सिडी कितने किलोवाट के सिस्टम के लिए मिलने वाली है। तो मिनिमम आपका सिस्टम 1 किलोवाट होना चाहिए या मैक्सिमम 10 किलोवाट। 1 किलोवाट से 10 किलोवाट इस रेंज के सिस्टम के लिए ही सोलर सब्सिडी अप्लीकेबल है। अगर आप बिठा रहे हैं 15 किलोवाट का सिस्टम तो आप बिठाइए, लेकिन आपको 10 किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी, बाकी के 5 किलोवाट पे नहीं मिलेगी, और वो भी आपका रेसिडेंशियल कंज्यूमर होना कंपलसरी है। अच्छा, अब किसको कितनी मिलेगी देखेंगे। तो अगर आपका सिस्टम अप टू 3 किलोवाट है, 3 किलोवाट, तो चाहे 1 किलोवाट हो, 2 या 3 किलोवाट, तो उस पे आपको 40% सब्सिडी मिलेगी। और अगर आपका सिस्टम 3 किलोवाट से आगे है, अप टू 10 किलोवाट, 10 किलोवाट, तो आपको सब्सिडी मिलेगी 20%, जिसमें से जो फर्स्ट 3 किलोवाट है उसके ऊपर 40% सब्सिडी मिलेगी, और बाकी का जो बचा हुआ आपका सिस्टम है उस पे आपको 20% सब्सिडी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बिठाया मान लो 5 किलोवाट का सिस्टम, ठीक है, तो पहले 3 किलोवाट पे आपको 40% सब्सिडी मिलेगी, और जो 2 किलोवाट है, 3 के ऊपर 2, 3+2 5, तो वो 2 किलोवाट पे 20% सब्सिडी मिलेगी। और जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज है तो उनको ऐसे 40% 20% नहीं है, उनको एक ही क्राइटेरिया है 20% सब्सिडी मिलने का। ठीक है, जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज होते हैं जैसे अपार्टमेंट्स वगैरह, तो वहाँ पे 20% सब्सिडी मिलेगी। और उसकी लिमिट क्या है, एक घर पे मैक्सिमम 10 किलोवाट का सिस्टम लगवा सकते हैं, और टोटल उस सोसाइटी की कैपेसिटी जो सैंक्शनड है 500 किलोवाट। मतलब मान लो एक सोसाइटी में बहुत सारे घर है, 100 200 घर है, तो सबने सोलार लगवाया, तो वो सारों की कैपेसिटी मिलाकर अगर 500 किलोवाट तक हो रही है तो अप टू 500 किलोवाट तक के कंज्यूमर्स को सब्सिडी मिलेगी। 500 किलोवाट अगर उस सोसाइटी से सोसाइटी में एक्सीड हो जाता है तो उसके बाद के कंज्यूमर्स को सब्सिडी नहीं मिलेगी। समझते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये हमने जो देखा, ये 40% 20% 20% जो भी है, तो ये किसका है? क्या ये सिस्टम का कॉस्ट जो हमने वेंडर से डिसाइड किया उसका है या कोई और है? तो ये सब्सिडी कैलकुलेट होती है एज पर बेंचमार्क कॉस्ट। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक बेंचमार्क कॉस्ट डिसाइड किया हुआ है कि भाई अगर आपका 3 किलोवाट का सिस्टम है तो बेंचमार्क कॉस्ट उसका पर किलोवाट इतना है, आगे देखेंगे अब। तो उस बेंचमार्क कॉस्ट का 40% या 20% है, तो ये बेंचमार्क कॉस्ट है, ये भी एमएनआरई का ही डॉक्यूमेंट है, ये 2021 का है डॉक्यूमेंट।
तब उन्होंने ये बताया था कि 1 किलोवाट के लिए बेंचमार्क कॉस्ट कितना है, कौन से स्टेट में कितना है, ठीक है, तो आप ये चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है नेशनल पोर्टल के ऊपर, आप वहाँ पर जाके भी चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ क्लियरली अमाउंट मेंशन है। ये जैसे आप देख सकते हैं, अगर आपका सिस्टम अप टू 3 किलोवाट है, मान लो 3 किलोवाट है, तो पर किलोवाट आपको इतनी सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, मैं स्क्रीन पे आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। चलिए मान लेते हैं 3 किलोवाट का सिस्टम है, तो पर किलोवाट हमको मिलने वाली है 14,588 रुपये। तो टोटल हमको सब्सिडी 3 किलोवाट के सिस्टम पे कितनी मिलेगी, इतनी 43,764। और उसके बाद अगर 3 किलोवाट से ज़्यादा का सिस्टम है हमारा, तो फर्स्ट 3 किलोवाट को इस हिसाब से सब्सिडी मिलेगी, और उसके बाद का जितना भी सिस्टम है, फॉर एग्जांपल हम 5 किलोवाट पकड़ लेते हैं, तो 3 किलोवाट को इस हिसाब से और आगे के 2 किलोवाट को पर किलोवाट इस हिसाब से मिलेगी। क्लियर है? पहले ये कंपलसरी था वेंडर्स के लिए कि भाई आप जो कंज्यूमर को चार्ज कर रहे हो सोलार सिस्टम का, वो बेंचमार्क कॉस्ट के हिसाब से ही होना चाहिए। लेकिन अभी क्योंकि जीएसटी के रेट बढ़ गए और मटेरियल की कॉस्टिंग भी बढ़ गई, तो अभी गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अब जो भी सिस्टम का कॉस्ट डिसाइड होगा वो म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसाइड होगा वेंडर और कस्टमर के। अब इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई है, वरना बहुत सारे वेंडर्स क्या कर रहे थे, इसको अवॉइड कर रहे थे ये चीज़ को। अब देखते हैं इसके कंडीशंस क्या है सब्सिडी का बेनिफिट लेने के लिए। तो सबसे पहली चीज़, तो भाई आपका जो लाइट बिल है, लाइट बिल पे आपके सैंक्शन लोड मेंशन होता है कितना है, तो आपका सैंक्शन लोड मिनिमम उतना होना चाहिए जितना आप सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप 3 किलोवाट सिस्टम लगवाना चाहते हो, तो आपके लाइट बिल पे सैंक्शन लोड भी उतना ही होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हो वेबसाइट पे, चाहे डिस्कॉम की हो या नेशनल पोर्टल। तो मेरा सजेशन है कि पहले आप आपका लोड एक्सटेंशन करवाइए, ठीक है? वो कैसे करना है, आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप सिस्टम में जो पैनल्स यूज़ करने वाले हैं सोलार पैनल्स, वो ALMM अप्रूव्ड होना चाहिए। ALMM मतलब ये एक गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड पैनल्स है, जिनको आप किसी भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। ALMM क्या है वो भी आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो पैनल्स आपके गवर्नमेंट अप्रूव्ड होने चाहिए, जिसको ALMM अप्रूव्ड बोलते हैं। और जो इन्वर्टर आप यूज़ कर रहे हैं, वो इन्वर्टर BIS, पैनल और इन्वर्टर वाले, ये चीज़ मेंशन करते हैं उनके डेटा शीट्स में, तो कंज्यूमर को इन चीज़ों का ध्यान रखना। नेक्स्ट, अच्छा, इंस्टॉलेशन मस्ट बी डन बाय द वेंडर्स हु आर इम्पैनल्ड बाय द डिस्कॉम्स। ये चीज़ में दोस्तों कन्फ्यूजन है, मैंने ईमेल भी लिखा है MNRE को, अभी तक रिप्लाई नहीं आया कि भाई यहाँ पे तो कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें लिखा है कि इम्पैनल्ड वेंडर से ही आपको काम करवाना पड़ेगा, लेकिन जो नेशनल पोर्टल पे डॉक्यूमेंट है उसमें ये लिखा है। क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अंडर द सिंप्लीफाइड प्रोसीजर, यहाँ से देखिए, इट विल नॉट बी मैंडेटरी फॉर द बेनिफिशियरी टू इंस्टॉल द प्रोजेक्ट ओनली थ्रू द वेंडर्स इम्पैनल्ड बाय द डिस्कॉम। ये मैंडेटरी नहीं है, बोल। तो यहाँ क्लियरली मेंशन क्या है कि जो नया सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है उसमें इम्पैनल्ड वेंडर होना ही कंपलसरी नहीं है, आप किसी भी आपके चॉइस के वेंडर के थ्रू करवा सकते हैं। तो अब ये दोनों के बीच में कन्फ्यूजन है, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा है, कुछ डॉक्यूमेंट में ये लिखा है कि इम्पैनल्ड वेंडर होना कंपलसरी है। तो मेल मैंने MNRE को लिखा है, जैसे ही कोई अपडेट आता है तो मैं उसके ऊपर आपको अपडेट दूंगा। अब देखते हैं कि भाई अप्लाई कहाँ करना है। तो हमको अप्लाई करना है जो नेशनल पोर्टल लॉन्च हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाथों 31 जुलाई को, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आपको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, ये वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है? तो आप अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन आपका आपके डिस्कॉम को ट्रांसफ़र होगा, ठीक है? कितने दिन में होगा ये मेंशन नहीं है, लेकिन आपका एप्लीकेशन ट्रांसफ़र होगा। और इसके अप्लाई करने के लिए नेशनल पोर्टल पे कोई फीस नहीं है, हाँ डिस्कॉम लेवल पे आपको फीस पे करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप महाराष्ट्र में अप्लाई कर रहे तो अप टू 10 अराउंड 20 किलोवाट 500 रुपीज़ फीस है, और 90 रुपीज़ GST, 590 रुपीज़ फीस होती है, ठीक है?
अच्छा, इसकी लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन की? लास्ट डेट है 31st of December 2022। 31 अगस्त से पहले पहले जो कंज्यूमर अप्लाई करेंगे उन्हीं को ये सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है ये डेट आगे एक्सटेंड भी हो, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अब आपने अप्लाई कर लिया, सिस्टम इंस्टॉल कर लिया, आपको सब्सिडी मिलेगी कब? तो चलिए देखते हैं। सब्सिडी मिलने का जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन नेशनल पोर्टल पे, ठीक है? वो नेशनल पोर्टल से आपकी एप्लीकेशन ट्रांसफ़र होगी आपके रेस्पेक्टिव डिस्कॉम को। आपका डिस्कॉम आपकी टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक करेगा। टेक्निकल फिजिबिलिटी मतलब क्या? वो देखा कि भाई आपका मंथली कंजम्पशन कितना है, कितने यूनिट आप कंज्यूम करते हो, ठीक है, ये देखेंगे। और साइट, हो सकता है साइट सर्वे भी करें। आपका सैंक्शन लोड कितना है लाइट बिल पे, जितना आप सोलार बिठवाना चाह रहे हो उतना है या नहीं है, तो कुछ ये चीज़ें चेक करके टेक्निकल फिजिबिलिटी या तो अप्रूव होगी या रिजेक्ट होगी। दोनों केस में आपको ईमेल के थ्रू मालूम होगा, वो ईमेल आपका चेक करते रहना है बार बार, ठीक है। मान लो टेक्निकल फिजिबिलिटी अप्रूव हो गई आपकी, ठीक है, तो जैसे ही आपको अप्रूवल मिल गया डिस्कॉम से, आपको आपका सिस्टम का इंस्टॉलेशन का काम शुरू करवाना है वेंडर सेलेक्शन करके, ठीक है। जैसे आपने इंस्टॉलेशन करवा दिया, इंस्टॉलेशन होने के बाद टेक्निकल डिटेल्स आपको नेशनल पोर्टल पे भरना है। वो डिटेल भरने के बाद में फिर से डिस्कॉम का इंस्पेक्शन होगा, फिर आपके नेट मीटर्स वगैरह टेस्ट होके इंस्टॉल हो गए, फिर आपकी प्रोजेक्ट कमीशनिंग रिपोर्ट, मतलब आपका सिस्टम इंस्टॉल हो गया। प्रोजेक्ट कमीशनिंग आपको ये ऑनलाइन, हो सकता है डिस्कॉम पे भी करना पड़े और नेशनल पोर्टल पे तो करना ही। तो उसमें क्या करना है आपको, जो एग्रीमेंट आपका वेंडर के साथ में हुआ है वो कमीशनिंग डॉक्यूमेंट और आपके जो सोलार का सिस्टम है उसकी फोटोग्राफ, ये चीज़ें आपको अपलोड करना है। हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट और भी हो, लेकिन फिलहाल में तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, ये समझ के चलिए, ठीक है। तो आपने प्रोजेक्ट कमीशनिंग कर दी, तो फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, सब्सिडी के लिए अप्लाई करना है नेशनल पोर्टल पे। जैसे ये आपका ये सारी चीज़ हो गई, नेशनल पोर्टल पे आपने अप्लाई कर लिया सब्सिडी के लिए, तो एज पर द एमएनआरई आपको विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर सब्सिडी मिल जाएगी। कहाँ मिलेंगी ये सब्सिडी? डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो आपको आपके अकाउंट डिटेल्स भी वहाँ डालना है, बैंक अकाउंट डिटेल्स, जिसमें आपका बैंक का पासबुक है, बैंक का नेम है, आईएफएससी कोड है, और कैंसल्ड चेक या फिर पासबुक का फोटो, ये चीज़ें आपको लगेंगी। अच्छा, अब कंज्यूमर को, वेंडर को कितना अमाउंट देना है, क्या पूरा अमाउंट देना है या सब्सिडी का अमाउंट काट के देना है? तो अभी जो सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है उसमें कहा गया है कि कंज्यूमर को फुल पेमेंट करना है एज पर द एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट होगा दोनों के बीच में उस हिसाब से आपको फुल पेमेंट करना है, और सब्सिडी जो होगी आपके अकाउंट में डायरेक्टली आएगी। तो सब्सिडी का अमाउंट आपको काट के नहीं देना है वेंडर को, आपको फुल पेमेंट करना है, उसके बाद में सिस्टम लगने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद सब्सिडी डायरेक्टली आपके अकाउंट में आएगी। तो जब आप कोई भी वेंडर सेलेक्ट करोगे इंस्टॉलेशन के लिए, तो कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखिए कि भाई उसकी प्राइसिंग कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रही है। तो आप 2-3 वेंडर से कोटेशन लीजिए, जिसका भी आपको सूटेबल लगे उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए कि भाई कंपोनेंट्स कौन से यूज़ कर रहा है वो, है ना, और एनर्जी एनर्जी एस्टिमेशन गारंटी क्या दे रहा है वो, कि भाई आपका सिस्टम मंथली या एनुअली कितने यूनिट्स आपको बना के देगा, है ना, क्योंकि यही असल चीज़ है, इसी के लिए हम इंस्टॉल कर रहे हैं, एनर्जी जनरेट करने के लिए, ये चीज़ देखिए। और सर्विस बैकअप गारंटी मतलब क्या, अभी आप मान लो आप रहते हैं मुंबई में और आप इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं दिल्ली के वेंडर से, तो अब आगे जाके अगर कुछ फॉल्ट निकलेगा, कुछ वारंटी क्लेम करना होगा, तो वेंडर तक पहुंचना आपके लिए मुश्किल होगा। हो सकता है फ़ोन पे बात हो जाए लेकिन सर्विस उसके लिए प्रोवाइड करना मुश्किल है। तो आप ऐसा वेंडर सेलेक्ट कीजिए जो आपके आसपास हो, जो आपको सर्विस भी दे सकता हो, आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखिए। अब ये एक क्वेश्चन आ रहा है कि भाई सर, अगर मैंने ऑलरेडी सिस्टम इंस्टॉल कर लिया है तो क्या अब मुझे सब्सिडी मिलेगी? तो इसका आंसर है दोस्तों, नहीं। मैंने ये चीज़ ईमेल पे पूछी एमएनआरई से, तो उनका रिप्लाई आया कि सर नहीं, जब से स्कीम लॉन्च हुई है उसके बाद से सब्सिडी अप्लीकेबल है। और स्कीम कब से लॉन्च हुई है? 31st of July से। तो 31st जुलाई से पहले जिसका भी सिस्टम इंस्टॉल हुआ है उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी, ठीक है, अंडरस्टूड? कि भाई स्कीम लॉन्च होने से पहले अगर किसी का सिस्टम इंस्टॉल हुआ है तो उसको सब्सिडी नहीं मिलेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर मेरा हाइब्रिड सिस्टम है या फिर मैं हाइब्रिड सिस्टम लगवाना चाहता हूँ तो क्या मुझे सब्सिडी मिलेगी। तो देखिए भाई, हाइब्रिड सिस्टम ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड का कॉम्बिनेशन होता है। आप हाइब्रिड सिस्टम को ग्रिड का कनेक्शन दोगे थ्रू नेट मीटरिंग के थ्रू, तो उस टाइम पे आपका सिस्टम कंसिडर होगा ऑन ग्रिड। तो आप हाइब्रिड के थ्रू भी अगर नेट मीटरिंग अप्रूव्ड हुई है तो सब्सिडी का बेनिफिट ले सकते हो। अब कुछ जो कमेंट्स में हमारे लिए क्वेश्चंस आए थे हैं उनका आंसर देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये मोटिवेशनल वर्ड, ये क्या पूछ रहे कि सर कंज्यूमर नंबर कहाँ मिलेगा। भाई कंज्यूमर नंबर आपके लाइट बिल पे मेंशन होता है। नेक्स्ट, हेल्पलाइन नंबर कहाँ मिलेगा। हेल्पलाइन नंबर तो नहीं है, MNRE का एक ईमेल एड्रेस है, आप वहाँ से कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, अगर आपका कोई डिस्कॉम की वेबसाइट पे नंबर मिल जाए तो आप उनसे भी कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। और ये आसिफ साहब क्या पूछ रहे, भाई मैंने सब फॉर्म फिल करने के बाद ऐसा बोल रहा है, प्लीज़ अपलोड नेसेसरी डॉक्यूमेंट, प्लीज़ जल्दी बताओ क्या करूँ। तो भाई आपने लाइट बिल अपलोड नहीं किया है, लाइट बिल अपलोड कीजिए PDF फॉर्मेट में। पंजाब में है क्या। हाँ सर, पंजाब में भी है, ऑल ओवर इंडिया है ये नेशनल पोर्टल, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है तो ऑल ओवर इंडिया इसका बेनिफिट मिलेगा। जग्गी पूछ रहे हैं सर इंग्लिश में, ठीक है भाई आपके लिए सबटाइटल अवेलेबल है। राजस्थान में भी चालू है क्या। यस सर, राजस्थान में भी चालू है, ऑल ओवर इंडिया है। इट डज नॉट रन, अकाउंट एक्टिवेशन प्रोसेस पेज नॉट फाउंड। भाई थोड़ी देर के बाद ट्राई कीजिए, हो सकता है ट्रैफिक की वजह से वेबसाइट नहीं चल रही हो। सर मेरा लोड 2 किलोवाट है बिल में और मैं 3 किलोवाट का लगवाना चाहता हूँ, हो जाएगा क्या। नहीं भाई, आपको या तो सिस्टम 2 किलोवाट का लगवाना पड़ेगा या फिर आपका जो सैंक्शन लोड है उसको 3 किलोवाट करना पड़ेगा मिनिमम, ज़्यादा करोगे तो बेटर है। नेक्स्ट, रिसेंटली आई हैव इंस्टॉल्ड द सिंगल फेस 5 किलोवाट सोलर रूफटॉप इन वेस्ट बंगाल, माई हाउस सैंक्शन लोड इज 0.5, हाउ टू अप्लाई MNRE पोर्टल प्लीज गाइड। भाई आप पहले क्या कीजिए, आपका जो सैंक्शन लोड है उसको बढ़ा लीजिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि सैंक्शन लोड आपको मेंशन करना है नेशनल पोर्टल में कितना है और सिस्टम लगाया कितना है, तो आप पहले सैंक्शन लोड बढ़ाइए। उसके बाद पूछ रहे, 2 KV का अगले साल लगवाया है लेकिन फिर से लेना चाहता हूँ, क्या मुझे फिर से मिलेगा। भाई आपने जो इंस्टॉल कर लिया है उसका तो नहीं मिलेगा, अगर आप फिर से लगवाते हैं एक नया मीटर का कनेक्शन लेके तो उसके ऊपर आपको मिल सकता है, क्योंकि क्लियरली मेंशन है कि जब से सब्सिडी लॉन्च हुई है उसके बाद के ही कंज्यूमर जो अप्लाई करता है तब मिलेगी सब्सिडी। हरियाणा में भी ओपन है भाई। हाँ, नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं, कुड वी अप्लाई फॉर अ सब्सिडी फॉर एन एग्जिस्टिंग सोलार सिस्टम आई हैव इंस्टॉल्ड। नहीं भाई, अगर आपने नेशनल पोर्टल लॉन्च होने के पहले आप इंस्टॉल किया है तो आपको नहीं मिलेगी। कस्टमर अकाउंट नंबर क्या होता है, इसमें क्या भरना है। कस्टमर अकाउंट नंबर आपका कंज्यूमर नंबर होता है जो लाइट बिल पे मेंशन होता है। जगदीप घोष पूछ रहे हैं, मेरा भी अप्रूवल स्टेटस में है मैंने 2 दिन से। 2 दिन से, अच्छी बात है। डिस्कॉम को जब ट्रांसफर होगा तो आगे प्रोसेस होगा। स्पोर्ट इंडिया पूछ रहे, ब्रो अगर मेरी कनेक्शन 1 किलोवाट है और मुझे 5 किलोवाट का सोलर चाहिए तो क्या नहीं होगा। नहीं होगा भाई, आपको सैंक्शन लोड बढ़ाना पड़ेगा। वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, हेल्पफुल वैल्यूएबल वीडियो, थैंक यू भाई, कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, गुड जॉब, थैंक यू भाई। अब्दुल वाहिद सर, हमने सब्सिडी अकाउंट में आने के बाद वेंडर को पैसे। नहीं भाई, डिस्कस हो चुका है, आपको पूरा अमाउंट देना है वेंडर को, सब्सिडी आपके अकाउंट में आएगी। ऑन वॉट अमाउंट सब्सिडी विल बी कैलकुलेटेड, इसके ऊपर एक वीडियो है डेडिकेटेड, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। बेंचमार्क कॉस्ट के हिसाब से सब्सिडी कैलकुलेट होगी। ये तो मेरा ही कमेंट है। वाटर टर्म्स एंड कंडीशन, भाई वीडियो के स्टार्ट में देख दिया है मैंने, बता दिया है, आप देख लीजिए। मोनोक्रिस्टलाइन के लिए भी है क्या। हाँ भाई, ALM लिस्ट में अगर वो मोनोक्रिस्टलाइन का पैनल है उस कंपनी का तो है अप्लीकेबल। तो होप कि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काम की थी। अगर इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि सारे क्वेश्चंस के आंसर दूँ। और इसी के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे चैनल का एनालिटिक्स ये बताता है कि 90% से ज़्यादा लोग जो हमारे चैनल पर वीडियोज़ देखते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते।
भाई ऐसे मत कीजिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।